हेलो लर्नर्स, आप सभी के लिए मैं आज वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसका एमसीक्यू का आंसर लेकर चला आया हूँ। एमसीक्यू का आपका क्या क्या आंसर होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो मैं आपको इंग्लिश के ऊपर सजेशन दिया था उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो आज के जो एमसीक्यू है उसको जल्द से जल्द शुरू करते हैं बिना टाइम वक्त गवाए हुए। आप बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है एमसीक्यू में, और साथ ही साथ कुछ आपका फिलिंग द ब्लैंक्स जो था आर्टिकल प्रेपोजिशन बता दूंगा, और भी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्व भी लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये जो गोल किया गया है ये इसका सही आंसर होगा। द गर्ल हु बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम रहाना वाज वियरिंग, तो क्या होगा, स्लीपर्स, ठीक है। बिफोर रेंजर लेफ्ट मिस्टर जॉन्स गेव हिम तो $10। तीन नंबर देखिएगा, कलाम्स एसेस्ट्रल हाउस वाज मेड ऑफ तो लाइमस्टोन एंड ब्रिक। चार नंबर देखिए, व्हेन द जार सा द हर्मिट फॉर द फर्स्ट टाइम द लेटर वाज तो क्या था, डिगिंग द स्वाइल इन फ्रंट ऑफ हिज हॉट। उसके बाद देखिए पांच नंबर, द क्रिकेट्स श्रील सॉन्ग इज हियर्ड ऑन ए तो क्या था, विंटर इवनिंग। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट हैज ऑल टू शॉर्ट ऑफ डेट तो क्या होगा, समर्स लीज। सात नंबर, व्हेन द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर पुल्ड आउट दे आर तो देखिए दाग मारा हुआ है बी में, वाइट एंड वेट। द सोल्जर अपियर्स तो पेल, द सेटिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल इज तो चुबुकोज ड्रॉइंग रूम। नतालिया लिव्ड तो कहाँ रहती थी, विथ हर फादर के साथ रहती थी। और यहाँ पे देखिए 11 नंबर, लोमोज वाज ईयर्स ओल्ड तो ये 35 ईयर्स ओल्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। द पीस ऑफ लैंड डैट लोमो एंड नतालिया क्विरल्ड ओवर वाज तो क्या था, ऑक्सन मेडोज। ओके, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब आंसर एनी फोर क्वेश्चंस फॉर प्रोज, देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप इसे देखकर मिला लीजिएगा। मैं वीडियो को स्क्रॉल करते हुए ऊपर लेकर जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा ये सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। मिलाकर मेरे को बताइएगा आपका एमसीक्यू में कितना सही हो रहा है। चलिए प्रोज का एमसीक्यू आ गया। देन आई मेड ए मिस्टेक तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। अगला देख, ये वाला देख लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डू एज डायरेक्टेड में आप देख लीजिएगा, मिला लीजिए अपना, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद है ये देख लीजिएगा आप, यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, यानी आर्टिकल प्रेपोजिशन। यहाँ पे एक में टू भरना होगा, दो में द भरना होगा, फिर टू भरना होगा, फिर बाई होगा, ए होगा, टू होगा। ओके, ये वाला आपका हो गया। उसके बाद देखिएगा आप, ये सब आपका पैराग्राफ लिखना था यहाँ पर पैसेज को रीड करके, ये आप देख सकते हैं। खास तौर पे उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो 11 क्लास में होंगे। वीडियो को जिस शेयर जरूर करीजिएगा, ताकि ये ट्रू फॉल्स थोड़ा देख लीजिएगा कि जो आपको सीन्स अनसीन्स आया हुआ है, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है, चौथा जो फॉल्स है, चार नंबर। ओके, और ये सब देख सकते हैं, रिपोर्ट आपका आया हुआ था एक, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।